वो बलराम अभी भी बड़े के बड़ा सांप है, सात थनों वाला। जब संपन्न स्टेज होती है तो वो विष्णु की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? छत्रछाया देखी विष्णु के ऊपर, शास्त्र में दिखाई जाती है। वो सात और नारायण बलराम के सहयोगी होकर के उनकी सुरक्षा करते हैं। शास्त्र में उनका नाम दिया है संकर्षण भगवान, उनको भी भगवान समझ लेते हैं, जैसे कृष्ण को भगवान समझ लिया। तो देखो उनका प्रैक्टिकल रूप अभी ब्राह्मणों की दुनिया में है या नहीं है? पार्ट बजा रहा है। वो पार्ट बजाने वाला सांप अभी ज्ञान जल पीता है या नहीं पीता है? हैं? पीता है। तो वो भी निर्विष बन जाएगा या विषैला ही रहेगा? वो भी निर्विष बन जाएगा। उसका सारा ही विष जो है, जब प्रत्यक्षता होगी, चार आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे, तो सारा विष खलास हो जाएगा। इसलिए बोला कि सांप के काटने से मर जाएंगे, ये बात झूठी है। लिखी तो है लेकिन झूठी साबित हो जाती है, और है भी ऐसी कि बाढ़ में जो सांप आते हैं वो उनका विष असर नहीं करता। हाँ, मोस्टली ऐसा होता है कि सांप के काटने से मनुष्य मर जाता है, इसलिए लोग डरते बहुत हैं। कोई को तो सपेला, वो पनीला सांप काट लेता है तो इतना अंदर से हादसा आ जाता है कि ऐसे ही मर जाते हैं। विष चढ़ा भी नहीं, डर के मारे ही मर जाते हैं। हाँ, तो काटने से मर जाएंगे। तो मनुष्य और सांप का संबंध क्या है? अरे संबंध जो है, समान बंधन जो है इंद्रियों का, समान वाले से जोड़ा जाएगा या मनुष्य का सांप से जोड़ा जाएगा? समान वाला। अरे आदमी है आदमी और सांप है लंबा लंबा सर्पिणी, और दोनों की शादी कर दो, अब उनकी शादी करेंगे तो इंद्रियों का संबंध जुड़ेगा? है, जाने क्या क्या पूछने लगते हैं। उनका हिसाब किताब कैसे बनता है? हाँ, दिखाया है कि मनुष्य 84 लाख योनियां नहीं लेता है, लेकिन 84 लाख योनियों जैसे कर्म करता है। बाबा झाड़ के चित्र में मम्मा बाबा के बीच में विष्णु को खड़ा हुआ क्यों दिखाया है? इधर उधर मम्मा बाबा बैठे हैं झाड़ के चित्र में, और बीच में विष्णु खड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है? अरे विष्णु एक है या दो है? दो है या चार है? विष्णु दो है, तो दो क्या है? और चार है तो चार क्या है? दो है का मतलब दो लक्ष्मी नारायण है पेयर, और चार भुजाएं दिखाई है, इसका मतलब ये हुआ कि वो चार आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन है। वो षष्ठी रूपी वृक्ष के मात पिता दिखाए हैं। जैसे आसपास बच्चे बैठे हैं चार चार, ऐसे बीच में वो मात पिता बैठे हुए हैं। एक है सूर्यवंश का बीज और एक है चंद्रवंश की जड़। दोनों के संस्कार जब मिलते हैं तो विष्णु बनते हैं संगमयुग के, और उसमें ऐड हो जाती है आत्मा पार्ट बजाने वाली मम्मा बाबा की, जो उस समय के चित्र में दिखाई गई है। क्योंकि उस समय असली मम्मा बाबा तो थे ही नहीं, मुरली में तो बोला है वास्तव में ये तुम्हारे मम्मा बाबा नहीं है। कौन? ये ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे वास्तव में, तो इसका मतलब मम्मा बाबा कोई दूसरे हुए। इसलिए झाड़ में जो चित्र दिखाया गया है वो असली मम्मा बाबा नहीं थे, तो दादा लेखराज और ओम राजे मम्मा का चित्र दिया।
वाला का है जब बाप बन जाती है तो उनको सूर्यवंश का आधा वर्ष कहीं मिले या सूर्यवंश का बीच में उसका आधार लेकर के जो बीज है वो फलीभूत होता है या बिना आधार लिए फलीभूत हो जाता है। अरे बताओ ना, है बीज जो है वो विजय माला के हेड का आधार लेकर फलीभूत होता है ना, इसलिए वो आधार है। बीज थोड़ा ही है, बीज हो तो बीज निराधार होता है या आधार वाला होता है? निराधार होता है। निराधार बीज तो निराधार होता है। तो लक्ष्मी को नारायण का आधार लेना पड़े या नहीं लेना पड़े? ज्ञान सुनाने के लिए, सेवा करने के लिए, ज्ञान दान करने के लिए लक्ष्मी का मुख्य काम क्या है? ज्ञान बांटना। तो वो कार्य तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वो नारायण के बंधन में न बंधे, अधीन है। नारायण भी अधीन तो नहीं है लेकिन फलीभूत तब होगा जब जब विजय माला का आवाहन हो। कैसी हंसी आई, मजा आ गया? हाँ, ये है जैसे कि अभी कहते हैं वो बल्ली का पाठ बजा रहे हैं, बाप के पास आ गए तो शेर नहीं बन जाती है। हाँ, तो वैसे ही जब अभी आधार मूल रहेंगे बाप के पास आ गए तो बीज बन जाती, बीज नहीं बन जाती है, शेरनी शक्ति बन जाती है। बीज बन जाए तो शेर बन जाए। अरे बीज डालने वाला शेर होता है या शेरनी होती है? शेर होता है। शेरनी तो धारण करती है बीज को। और बाबा और एक प्रश्न, बाबा 100 साल पूरा होना इसका विस्तार चाहिए, 100 साल का रहस्य क्या है? 100 साल आत्मा के लिए कहता है या शरीर के लिए? जब बाप आते हैं तब ही संघ में शुरू होता है ना? हाँ। और बाप जिसमें आते हैं वो रंगमंच पर जब प्रैक्टिकल पार्ट बजाए तब ही 100 साल शुरू होता है ना, जिसके लिए बाप आया हुआ है खास, किसके लिए आया हुआ है? अरे बाप स्पेशली पहले पहले किसके लिए आता है? राम वाली आत्मा के लिए आता है, आप समान बनाने के लिए। आप समान जब राम वाली आत्मा बन जाती है तो बाप तो परमधामवासी हो जाता है, और जो बाप समान बना है वो आगे का कार्य भी संपन्न करता है। इसलिए ये दो आत्माओं का कनेक्शन है, सुप्रीम सोल अर्थात परमपिता शिव और परमात्मा, इन दो का कनेक्शन है 100 साल से। बाकी और आत्माओं का नंबर वार है, एक जैसा 100 साल से कनेक्शन नहीं है। हाँ। आप समान माने किसके समान? आप समान माने बिंदु, काम करेगा तो भी बिंदु रूप स्टेज में रहकर, कोई से बात करेगा तो भी बिंदु रूप स्टेज में रहकर, और रिजल्ट निकलेगा तो भी जो बाप ज्योति बिंदु का रिजल्ट निकलता है बच्चों के साथ संबंध जोड़ने में, संपर्क जोड़ने में, संसर्ग में आने में, वो ही रिजल्ट उस आत्मा का भी निकले तब कहेंगे बाप समान। जैसे बाप अभोक्ता है वैसे मनुष्य सृष्टि का बाप भी अभोक्ता साबित हो जाए। जैसे बाप अकर्ता है
वैसे ही वो भी क्या साबित हो जाए, अकर्ता। महाकाली अकर्ता साबित नहीं होगी, असुर संधारण शक्तियां अकर्ता साबित नहीं होंगी, लेकिन कौन अकर्ता साबित होगा? मनुष्य। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो विनाश नहीं करता, इसलिए उन्होंने बोला शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। संस्कृत की गीता में भी लिखा हुआ है विद्वान वो शास्त्रकारों ने क्या लिखा है कि आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या कर दे एटम बम फटवा के तो भी उसके ऊपर पाप क्यों? काम करेगा तो पाप भरेगा नहीं, काम तो करता कराता है लेकिन आत्मिक स्थिति में स्थित होकर करता है, देवान में स्थित होकर नहीं करता है, तो उसको देह का फल भी नहीं मिलता। महाकाली को तो आत्मनिष्ठ नहीं कहेंगे ना, तो पाप है। महाकाली को आत्मनिष्ठ तो विष्णु का मालिक बन जाती है क्या? नहीं, इसीलिए नहीं बनती। उतना ऊंच पद पाती है जितना लक्ष्मी पाती है, उतना जन्म जन्मांतर सुख पावेगी जितना लक्ष्मी पाती है, नहीं पावेगी। अरे पाप चढ़ता है तभी तो दुख मिलता है, जन्म जन्मांतर दुख कब मिलता है? जब यहाँ पाप चढ़ेगा, श्रीमत के बरखिलाफ काम होगा तो दुख मिलेगा, श्रीमत के अनुकूल काम होगा तो सुख मिलेगा। शिव बाप आप समान जब कहेगा तो अपने समान सबको बनाएगा कि एक को बनाएगा, बाकी को नंबर बार बनाएगा? है बनेगा बता तो रहे हैं, प्रैक्टिस करो, दुनिया से बैराग करो तो आप समान बन जाओगे। अभ्यास है तो कौनते वैराग्य करिए थे, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो और इसको दुनिया से बैराग करो, दुनिया खत्म होने वाली, ये दुनिया है ही नहीं, हे राम जी ये सब मर पड़े। वशिष्ठ जी ने राम जी को क्या समझाया, दुनिया से बैराग लाने के लिए क्या बताया? हे वशिष्ठ जी, मैं हे राम जी ये सब मरे पड़े हैं ही नहीं, फिर से भूख रह जाएगा कत। हत्या करने को भी पाप नहीं पड़ेगा, है बाप ये बात जानते हुए फिर शक्ति महाकाली से क्यों निरंतर है? बाप ये बात जानते हुए है महाकाली से क्यों निरंतर? इसीलिए कराते हैं कि जो चांडाल होगा वो चांडाल अच्छा काम करेगा सूली पे चढ़ाने का, या राजा अच्छा काम करेगा सूली पे चढ़ाने का? राजा के हाथ पांव थर्रा जाएंगे और चांडाल के हाथ पांव नहीं थर्राएंगे, क्यों? तो आदत पड़ी हुई है, इसको आदत पड़ी हुई है। जो कसाई है, कसाई को काटने में कोई देर नहीं लगती, किया गच आराम से चल रहे हैं, कुछ भी दिल में बुद्धि के अंदर पाप नहीं आता। और जो जिसने कभी हत्या की ही नहीं है तो उसके तो हाथ कप कपाएंगे, तो जिसका काम उसी को छाजे और करे तो डंडा बाजे। बाबा शांतिधाम से सुखधाम कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? ट्रांसपोर्ट रहता है क्या? नहीं तो कैसे आएंगे? आत्मा के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत है बाबा, आत्मा के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, आत्मा के लिए ट्रांसपोर्ट तो रिकॉर्ड भरा हुआ है, जैसे कोई VCD है, DVD है, या रिकॉर्डर है, या टेप रिकॉर्डर है, वो सारा खाली जा रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही, बीच में से उसमें भर दिया, तो जब डालेंगे तो बीच में से ही बोलना शुरू करेगा, पार्ट बजाना शुरू करेगा, बोलना शुरू करेगा या शुरुआत से बोलना शुरू कर देगा? ऐसे यहाँ पार्ट शूट हो रहे हैं, अपने अपने पार्ट की शूटिंग हर आत्मा अपने आप कर रही है।
अपने टाइम पर वो आत्मा नीचे उतरती है। उस दाम के बारे में और सुखदाम जो है जमुना के करते हैं जम्मू के वहाँ आने के लिए ट्रांसपोर्ट रहता है क्या है जो देहरादून में शांति धाम मौका को बने तो सुखदाम जहाँ जमुना के कंठे ये माना जम्मू द्वीप कहा जाता है वहाँ आने के लिए ट्रांसपोर्ट रहेगा क्या सारा वृत्ति जलमय हो जाती है जब विनाश होगा तो ये जो भी विदेश हैं चाहे अमेरिका है चाहे कनाडा है चाहे यूरोप है चाहे अफ्रीका है और चाहे अरब देश है ये तुम्हारे पिकनिक स्थान बन जावेंगे। माना इनका कोई न कोई टापू जमीन वो पानी के ऊपर रह जाएगा और वहाँ तुम जाकर के पिकनिक मनावेंगे। तो बताओ इतनी इतनी दूर से लोग बच्चे जो है जब जलवायु होगी जलवायु के बाद बर्फ ही बर्फ हो जाएगी तो वहाँ कुछ दबेंगे कि नहीं दबेंगे वहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ की तुम्हें क्या चिंता है। अरे यहाँ जो दबेंगे और फिर उनमें आत्मा प्रवेश करेगी वो पावरफुल होंगे आत्मा संपन्न बनी हुई होगी या तमोप्रधान होगी। दर्द हो रहा है कैसे चले ऐसे तकलीफ होगी शरीर में क्या नहीं। पहले भी लोग एक देश से दूसरे देश में जाते थे तो कैसे जाते थे घोड़े पर चढ़ के जाते थे बताओ। अभी 10 मील घोड़े पर चढ़ो देखो सारे हड्डियां टूट जाएंगी। अभी प्रैक्टिस खत्म हो गई। हाँ जी बाबा महाकाली के लिए कहते हैं वो लंबी जीत निकालती है लपलपाती है तो उनके सामने शंकर जी भी आराम से लेट जाता है। हाँ मैंने इसका कहने का मतलब है शंकर जी से पावरफुल महाकाली है। शंकर जी से भी पावरफुल हाँ महाकाली है पावरफुल नहीं है। अरे हमारा काम तुम आराम से कर रहे हो हमें वो काम करने में थरथराहट आती है क्योंकि जन्म जन्मांतर का हमारा प्रैक्टिस है नहीं तो हम कहेंगे अच्छा करो बड़ा अच्छी बात है चुपचाप रहो सो ही अच्छा। वो तो बात ठीक है चांदी पर पैर क्यों लगाए हैं चांदी पर पैर चांदी पर क्या जन्म जन्मांतर पुरुषों ने कन्या माताओं के ऊपर पाँव नहीं मारा है उनकी बेइज्जती नहीं की है। अरे की है कि नहीं की है। अरे ओके अपने लिए किए होंगे बाप के लिए कैसे क्यों बाप में तुम्हारा बीज नहीं है तुम्हारा तुम्हारे अंदर जो संस्कार है वो संस्कारों का बीज बाप में नहीं है थोड़ा सा है। हाँ तो थोड़ा सा है वो बड़ा करके दिखाएगा। बाबा एक होली पॉइंट है बाप कहते हैं मैं निष्काम हूँ ब्रह्मा द्वारा तुम्हें विश्व का मालिक बनाकर मैं घर में बैठ जाता हूँ। हाँ हाँ ऐसा क्यों कहा क्योंकि वो तो ओरिजिनली यह करता है सदाकाल के लिए वो तो सदाकाल के लिए यह करता भोगता है ना तो यहाँ रह के क्या करेगा उसे जो भोगेगा भोग उस भोग का उसको मजा आएगा आएगा बस बाबा एक दिन में आदि में तीनों मूर्तियों ने शरीर छोड़ दिया ना हाँ। एक गरम लेकर आए हाँ? हाँ? गरम लेकर आए ना तीन मूर्तियों ने हाँ। एक दिन की आदि में जो तीन मूर्तियां थी हाँ? वो शरीर छोड़कर फिर आए ना गरम लेकर हाँ? तो उसका प्रूफ चाहिए वो भाई को किसको एक भाई गरम लेते नहीं है क्या तो उसका प्रूफ प्रूफ पहले उनसे मांगो जो वहाँ बैठे हुए साकार में
जिनके लिए मुरली में बोला इनके पास प्रूफ, उनके पास फोटो भी होंगे, इन दीदी दादियों के पास उन बच्चों के फोटो भी है, पहले उनसे फोटो लेके आओ फिर हम तुम्हें दें प्रूफ। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा राज दिया था। तो फिर यहाँ ब्रह्मा इनका कौन हुआ और शिव बाबा? और तुम अपनी अम्मा को ही भूल गए। शिव बाबा का नाम साकार और निराकार का मेल, और ब्रह्मा भी अलग से कह रहा और लक्ष्मी नारायण भी अलग से कह रहा। अरे ब्रह्मा द्वारा मिलेगा ना, यहाँ तो ब्रह्मा द्वारा की बात कर रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने जो प्राप्ति की किससे की? मीडिया कौन बना? शिव बाबा तो देने वाला है, मीडिया कौन बना? तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा अभी तक अम्मा। बाबा ब्रह्मा इनने प्रवेश करता जिसमें प्रवेश करता हूँ उनका नाम ब्रह्मा रखना। हाँ ठीक है, आगे यज्ञ के आदि में प्रवेश किया ना, तो क्या हुआ? लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हाँ हाँ किसके द्वारा दिया? ब्रह्मा द्वारा नहीं दिया। बाबा शिव बाबा कहे या साकार और निराकार की मेल कहे या एक ही बात क्या अंतर पड़ता है? और ब्रह्मा को ने ऐसे ऐसे करते रहते कह नहीं पाते, बोलो मैं क्या कहूँ। ब्रह्मा का नाम ब्रह्मा के द्वारा है, छोटी माँ ब्रह्मा की पार्ट होती है। हाँ कह रहे छोटी माँ क्यों? छोटी माँ तो खुद लेने वाली है देने वाली है? छोटी माँ नारायणी का पद लेने वाली है या देने वाली है? लेने वाली। फिर क्या अल्लम गल्ला बोलते रहते? हाँ ऐसा हम कहा मना कर रहे कि नहीं है, वो तो सब जानते हैं कि ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को विश्व की बात सही देता हूँ। ब्रह्मा द्वारा मतलब शिव बाबा जो है? हाँ शिव बाबा ही। हाँ 33 करोड़ देवताओं की गायन जो है, जो आत्माएं अंत तक जन्म लेंगी कलयुग के अंत तक। हाँ वापस से जो भी देवात्माएं गुजरती है हाँ उनका संगम में कैसा पार्ट होता है? यानी द्वापर युग की शूटिंग से उतरेंगे। यहाँ द्वापर युग की शूटिंग कब तक हुई? ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, तो ब्रह्मा के संकल्प अभी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और सृष्टि रची जा रही है कि नहीं रची जा रही? तो कितनी आत्माएं ऊपर से नीचे आ गई होंगी? वहां ऊपर से नीचे आती हैं माना जन्म लेती हैं शरीर में, और यहाँ ऊपर से नीचे आना माने ज्ञान में आना, रोशनी में आ जाते हैं। जो जो ज्ञान में आते जाते हैं जैसे कि उनकी शूटिंग हो गई परमधाम से नीचे उतरने की, अभी उतर रहे कि नहीं ज्ञान में? नए नए उतर रहे हैं कि पुराने ही वाले उतर रहे हैं? पुराने वाले भी उतर रहे हैं और नए नए भी आ रहे हैं, तो कितने आ गए होंगे अब तक? अरे अब तक कितने आ गए होंगे, कितने लोगों को संदेश मिल चुका होगा ज्ञान का कि भगवान आया हुआ है, दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया की पालना होने वाली है? ये संदेश कितनों को मिल चुका होगा है? अरे भाई 1 करोड़ को तो बुलाया बोला था 77 में, जब पहला मेला हुआ था तो 2 करोड़ को संदेश मिल चुका था 76 का, तो 2 करोड़ को तो वही संदेश मिल गया। अब फिर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से ये बढ़ता ही है कि घटता है? तो कितनों को संदेश मिल चुका होगा? है वो आत्मा सचिव चेतना में जन्म नहीं लेंगे,
कौन सी आत्मा है? 33 करोड़ देवताओं की जो गायें, 33 करोड़ कहाँ आती है? 10 करोड़ ही तो आती है सत्य त्रेतर पर अंतर्धर्म का जन की गायें है ना। हाँ, वो कलयुग के अंत तक आएंगी और सुखी ही भोगेंगी, जैन परिवार में रहेंगी, जैन परिवार में रह के पूरे परिवार के ऊपर राजा ही करेंगी, तो उनमें से एक ही सदस्य को तोड़ नहीं सकते। उनको जाकर के ज्ञान सुनाओ, चाहे एडवांस सुनाओ, चाहे बेसिक सुनाओ, चाहे शास्त्रों का ज्ञान सुनाओ, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, वो अपने हेड के पास जाएंगे। ये ऐसे बताते हैं, क्या इनकी बात माने या न माने, उनकी राजाई चल रही है, उनकी राजाई में तो पाँव भी नहीं रख सकोगे। देवता कैसे, यही तो देवता धर्म है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। और देवता धर्म किसे कहा जाता है? अभी तक ये नहीं जाना, नहीं जाना, अब जान लो, नहीं तो देवता धर्म की जगह दूसरे धर्म में चलते रहोगे, शूटिंग खराब होती रहेगी। क्या नारायण दास का गायन है? सो क्या हुआ? आठ नारायण है एडवांस में, पहला नारायण नहीं सुन रहा एडवांस ज्ञान, तो फिर दूसरे भी सुने? क्या जगदीश भाई नहीं सुन रहे? अरे जब पहला और आखिरी सुन रहा है तो बीच वाले नहीं सुनेंगे, वो भी सुनेंगे। बाबा, तो 2011 अभिद्वार में ब्रह्मा ने दादी के मुख से बोला है कि आज स्नेह के सागर ने अपने से ही बच्चों से मिलने आया है, इसका राज है। सागर माना शिव बाबा को ही कहा कह सकता है, यह बात माउंट आबू में क्यों कहा? क्या आज स्नेह के सागर बाप ने मिलन मनाए, स्नेही बच्चों से मिलने आया है ना, ये बात माउंट आबू में क्यों कहा? क्यों बाप जो है हिमाचलगढ़ के बच्चों को नहीं बोलते हैं? जो बच्चे सामने नहीं आए उनसे बात नहीं करते, इमर्ज करते, एडवांस के बच्चों को इमर्ज नहीं कर सकते? है प्रजापिता कैसे याद? क्योंकि प्रजापिता को अपनी पहचान नहीं होगी, मैं प्रजापिता हूँ। अरे जो प्रजापिता होगा उसको अपनी पहचान हुई होगी कि नहीं होगी? होगी, तो उसको पता है कि प्रजापिता कौन है। अपने स्वरूप को याद करना सहज होता है या कठिन होता है? सहज होता है, तो उसके लिए तो और ज्यादा सहज है। बिल्कुल, वो बिंदी अपने ही मस्तक में याद करना प्रजापिता के लिए सहज है या कठिन है? वो तो और सहज हो गया। बाबा, कोई कोई आत्माएं तबीयत बिगड़ जाने के कारण खुद खाना नहीं बना पाते, तो अज्ञानी आत्माओं के हाथ का बना हुआ खाना खा लेते हैं। अज्ञानी आत्माएं प्याज लहसुन सहित खाना बनाती हैं, तो बाबा एक तरफ क्लासेस भी वो करते हैं, उन्हें महासंगठन या सप्ताह के संगठन में आने की परमिशन है क्या? अरे ये खान पान करना, छोटी मोटी चीजें खा ली पी ली, ये बड़ी श्रीमत की अवहेलना है या भिखारी बनना ज्यादा श्रीमत की अवहेलना है? सबसे बड़ी अवहेलना कौन सी है? सबसे बड़ी अवज्ञा कौन सी है? भिखारी बनना, भिखारी बनना, देवहन में आना, देहों से चिपक चिपक करना, ये सबसे बड़ी अवज्ञा है। अब अपने दिल से पूछो, पूछने वाला भी अपने दिल से पूछे, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बड़ी अवज्ञा तो नहीं करते हैं। तो बताओ उन आत्माओं को कैसे छोड़ दिया जाए कि तुम क्लास में मत आओ? उनको परमिशन देनी पड़े, और फिर जब तक वो अपना पोता मेल खुद नहीं देते हैं कि क्या उनकी स्थिति है, तो हमें क्या पड़ी हुई है कि उनको क्लास में से निकाल दिया जाए? दंड तो तभी दिया जाएगा जबकि
गलती करने वाला अपनी गलती को स्वीकार करे। कोई कोई आत्माएं 6 महीने या 1 साल से कुछ कारणवश गीता पाठशाला या संगठन क्लास में नहीं आए, नहीं आते हैं, कनेक्शन में नहीं आ रहे हैं, तो फिर वे क्लास करना चाहते हैं या बाबा की क्लास में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या श्रीमत है? अरे 2-4 महीने कोई क्लास में नहीं आते हैं या बाबा को चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं, बाबा से फोन से कनेक्शन भी नहीं है, ईमेल से कनेक्शन भी नहीं रखते हैं, तो बाबा क्या समझते हैं? मर गए। अब मरे हुए को क्या करना पड़े? दोबारा जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं? तो गर्भ में जाएंगे कि नहीं? 9 महीने जाएंगे है? तो एक दिन जाना, एक दिन आना, 7 दिन की बट्टी, ये 9 दिन गर्भ जेल में पलो और फिर माफीनामा भी लिखो। क्या क्या ऐसे ऐसे अब हम कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। बाबा ने जो डायरेक्शन दिया है, 106 डिग्री बुखार हो तो भी क्लास जरूर करना है। बाकी हाँ, कोई गीता पाठशाला में क्लास रेगुलर कर रहे हैं, गीता पाठशाला में क्लासेस करने के उनके साइन के प्रूफ हैं, कारण या कारण मासिक संगठन में नहीं आ पाते हैं, तो ब्राह्मणी को चाहिए उनका प्रूफ देख करके उनको बाबा के महासंगठन में या मासिक महासंगठन जो होता है एक बड़ा, उसमें उनको आने की परमिशन दे। कोई जरूरी थोड़े ही है के कारण या कारण कोई बात ऐसी बन जाती है तो जबरियन हर महीने के संडे के संगठन में, साप्ताहिक संगठन में उनका आना जरूरी है। गीता पाठशाला में तो क्लास कर रहे हैं, बूढ़े लोग होते हैं नहीं आ सकते हैं, बहुत बीमार हैं, टांग अंग टूट गई है, तो अपनी गीता पाठशाला में तो क्लास हो रहा है ना उनका। बाबा, जो आत्माएं किस प्रकार का जन्म होगा? भट्टी करते हैं दो दो तीन तीन बार, तो भट्टी की क्लासेस में आना शुरू किया फिर छोड़ दिया, तो जब तक क्लासेस में आते हैं, क्लासेस कर रहे हैं, तो राजयोगी बच्चे हुए, राज परिवार में कनेक्शन में आएंगे, और नहीं किया तो नहीं आई, यही शूटिंग होती है। ब्रॉड ड्रामा में साधारण प्रजा में चले जाएंगे। बाबा, ब्रह्मा बाबा को बच्चों के ऊपर बहुत प्यार और मोह है, बच्चों को सच्ची बात मतलब बाप का संदेश डायरेक्ट कह सकते हैं ना, बाप साकार में संगम युग में गुप्त है और ज्ञान का विवरण डिटेल में समझा रहे हैं, पहचानो और धारण करो। आप इसे पढ़ के स्टार्ट में बोलिए, मतलब लंबी चौड़ी कथा कहानियां नहीं सुनाइए, बच्चों से प्यार है ना, डायरेक्ट क्यों नहीं कह रहे बोल रहे हैं? ब्रह्मा बाबा को बच्चों से प्यार है ना, हाँ? डायरेक्ट क्यों नहीं कह रहे? क्या कहें? बाप का संदेश, क्या संदेश? बाप आए हुए हैं, बाप क्या कर रहा है? अव्यक्तवाणियां पढ़ी नहीं है क्या? अव्यक्तवाणियों में बिल्कुल क्लियर इशारे दिए हैं कि नहीं दिए हैं कि बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है? घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते ही रहेंगे और अभी भी प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो बाप दादा का पाठ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऐसी ढेर अव्यक्तवाणियां हैं जिनमें ब्रह्मा बाबा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कोई एडवांस में पार्ट चल रहा है, बाप प्रैक्टिकल में इस समय सृष्टि पर आया हुआ है बाप के रूप में, और मुरलियों में भी कई बार बोला हुआ है। धर्म का नहीं होगा, इधर में होगा, इसको भी कर
प्रश्न छोटा छोटा पूछना चाहिए, लंबा चौड़ा पूछते हैं टाइम वेस्ट होता है पढ़ने में। और एक प्रश्न है बाबा, एक प्रश्न है बाबा, जो ज्यादा प्रश्न पूछते हैं और दूसरों का टाइम वेस्ट करते हैं भरी सभा में, और प्रश्न भी ज्ञान युक्त न होकर फालतू बाबा की आर्गुमेंट करते हैं, आर्गुमेंट करने जैसे ही होते हैं, जिन बातों को सुन करके और दूसरी आत्माएं बोर होती रहती हैं। बोर क्यों होते हैं ऐसे समझे कि हम रेलवे प्लेटफार्म पर स्टेशन पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, बाबा की याद में उड़ जाओ, हमारा टाइम कभी बेस्ट हो सकता है? अरे जो बकता है उसे बकने दो, हियर नो, हियर नो इविल, हमारा टाइम क्यों वेस्ट होगा, हम क्यों बोर हो हैं? अरे संगम युग मौजों का युग है या बोर होने का युग है? है द्वारा पाठ बजाती है लक्ष्मी माता। प्लीज बाबा बस कर दीजिए ना, भूख लगी है। समझ लो क्या शूटिंग कर रही है माता। दोनों मेरे फेरे की बात नहीं है, भक्ति मार्ग में युद्ध एक दिन चलता है, आधा घंटा चलता है, या महीनों भर भी चलता रहता है? महीनों भर चलता रहता है। सब तो चाहते नहीं कि युद्ध चलता रहे, तो कोई कहते हैं बंद कर दो बस, ये भी युद्ध है, ये ज्ञान का युद्ध है, और वहाँ आतापाई का देवान का युद्ध होगा। समझ में नहीं आता, फिर चले जाते हैं। तुम इस जन्म में माता बने नहीं है ना, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आता। जाके पाओ ने फटी बिवाई, सोका जाने पीर पर आई। बाबा का क्लास 1 महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार होता है, तो उसी क्लास में आकर के भी ऐसे पाठ बजाते हैं, क्या कहते हैं? यही बात है। लास्ट क्वेश्चन है बाबा, बाबा सूक्ष्म शरीर जीवात्मा है क्या? 5 का प्रश्न है। सूक्ष्म शरीर जीवात्मा है क्या? जीवित कहाँ है? जीव माने जीवन, जीवन तो तब हो जब साकार शरीर हो, साकार शरीर ही नहीं है तो जीवन कहाँ है? जीवन है तो पाप पुण्य है, जीवन ही नहीं है तो पाप पुण्य भी नहीं बनता। सूक्ष्म शरीरधारियों का कोई पाप पुण्य नहीं बनता, जिसमें प्रवेश करके वो पाप पुण्य करवाते हैं उन देहधारियों का पाप पुण्य बन जाता है। इसलिए कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि अभी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करने का पक्का समय मिल रहा है, आगे चल के ढेर की ढेर आत्माएं मरेंगी या काले मौत में, और वो अपना घोड़ा ढूंढेंगी और प्रवेश कर जाएंगी और पाप कर्म कराएंगी। एक नहीं, ढेर की ढेर तादाद में प्रवेश करेंगी और पापी बना देंगी जन्म जन्मांतर का। इसलिए कहते हैं 63 जन्म का बोझ है सर के ऊपर। आगे बस जनता की गुफाओं में जो रेखा चित्र बनाया गया है बौद्धियों ने, तो फिर बाबा बौद्धियों को कहते हैं इतने इतने उनके पहाड़ से गिर करके गुफाएं बनाने की क्या जरूरत है? जमीन नहीं मिला है, अजंता गुफाएं तो बने गए है,
अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें ऐसे नहीं कि बौद्ध राजाओं ने ही चित्र बनाए हैं, हिंदुओं ने भी चित्र बनाए हैं गुफाओं में, गुफाएं बनाई हैं, वो जैन मूर्तियां भी हैं क्या, और बौद्धियों की मूर्तियां भी हैं। ये अपनी अपनी मूर्ति बनाने की कला है। जैन धर्म भी पुराना है और बौद्ध धर्म भी पुराना है, ये दोनों भक्ति मार्ग के धर्म है। भक्ति मार्ग में तो मूर्तियां ही बनाएंगे और क्या बनाएंगे। सारी दुनिया शंकर जी को बाप को फॉलो करती है तो उन्होंने भी बाप को फॉलो किया। बाप पहाड़ पर रहता है, उन्होंने समझ लिया पहाड़ पर रहता है, तो हम भी कहाँ रहे, हम भी पहाड़ों पे अपनी गुफाएं बनाएंगे, वहीं रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं समझा, जो भी चित्रकारी किया तो भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए किया, आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए, वो देखने के लिए बनाए। नहीं, उन्होंने तो इसलिए बनाए कि संगम में उन्होंने जो कुछ उन्होंने देखा सुना और जो कुछ उनकी आत्मा में शूट हो गया वो सारा उन्होंने देवान में आकर के बना के रख दिया। पहले चित्र बनते हैं गुफाओं में और बाद में उन चित्रों के आधार पर फिर बनते हैं शास्त्र। तो ये गुफाएं पुरानी हैं और शास्त्र अर्वाचीन है, ये हमारे पढ़ने के लिए नहीं बनाए गए, देखने के लिए नहीं बनाए गए। उन्होंने अपना अभिव्यक्ति की है, उनके अंदर जो चल रहा था वो उन्होंने उकेर दिया, बाहर कर दिया। ये एक रूप का मतलब ये है कि जो सहन शक्ति वाली आत्मा है वही प्रवेश करके स्थापित है। कौन है सहन शक्ति वाली आत्मा, कौन है जगदम्बा में, मम्मा, वो स्थापना करती है, ब्राह्मण धर्म को थमाती है, वृद्धि कराती है, फिर एक से पालना नहीं होगी, पालना के लिए बाप भी चाहिए। तो दोनों के संस्कार जब माँ बाप दोनों के मिलते हैं तो विष्णु बन जाता है, तब पालना होती है। स्थापना के लिए भी दो चाहिए बाबा? नहीं, स्थापना के लिए दो नहीं चाहिए, बीज पड़ गया माने स्थापना शुरू हो गई। तो बीज के लिए पुरुष होना चाहिए ना? वो तो हो गया पहले ही, यज्ञ के आदि से ही बीज पड़ा हुआ है। हाँ जी, अष्टावक्र के बारे में जो बात पहले बताया है लेकिन तो भूल गया बाबा, पहले तो बताया बाबा ने अष्टावक्र के बारे में लेकिन ये याद नहीं आ रहा है बाबा। क्या नहीं याद आ रहा है? तो अष्टावक्र के माना वो कौन बात, तो बाप का पाठ है, ये विस्तार रूप में याद नहीं आ रहा है लेकिन बाबा तो कार्य किया। अरे आठ जगह से टेढ़ा कौन है बाप है ना, कृष्ण शास्त्र तो नहीं मालूम है बाबा, सुना है शास्त्र में बात। अच्छा वक्त माने आठ जगह से टेढ़ा दिखाते हैं ना, क्रूर भी है बाबा। हाँ, एक जगह से टेढ़ा, फिर दो जगह से टेढ़ा, फिर तीन जगह से टेढ़ा, फिर चार जगह से टेढ़ा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवा, फिर आठवा, आठ ज्वाइंट मुख्य हैं शरीर में, एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ,
ये आठ बड़े बड़े ज्वाइंट हैं, ये आठ जगह तोड़ दिए जाते हैं। मनुष्य कब टूटता है? पुरुष जो है वो अपने जीवन में सबसे जास्ती कब टूटता है? दिल टूट जाता है ना, तो दिल का टूटना कब होता है, सबसे जास्ती कब टूटता है? अगर कोई झटका लगता है, कोई बड़ा झटका लगता है तो दिल टूट जाता है। तो कब टूटता है, कौन सा ऐसा संबंध है जिसमें आदमी सबसे जास्ती टूट जाता है? हाँ, पति पत्नी का संबंध है जिसमें आदमी सबसे जास्ती टूटता है। वो कृष्ण के लिए ही दिखाया आठ पटरानियां, वो आठों पटरानियां तोड़ने वाली हैं। पट में जब गिरती हैं तो दिल तोड़ देती हैं या जोड़ देती हैं? बस हस्ताबक्र हो गया। हाँ जी, क्या पूछते हैं? भाषा आती नहीं है तो समझ में नहीं आता क्या पूछा है। लो इसे भी देखो, बाबा अगोरा कहाँ से निवास है? अगोरा 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 आदमी कहाँ से निवास करे? अगोरा 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 बाबा अगोरा 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 एक नाम है ना बाबा, उसको मना सारा शरीर क्या होती है, क्या होती है, गंध होती है बाबा, जैसे जटायु में गंध होती है और शरीर अथरक होती है। अरे कलंकी दरी तो अघोरी है, दुनिया कहती है अघोरी है अघोरी है, लेकिन अंदर से साफ दिल है भगवान के साथ या गंदा है? फिर वो किसका पार्ट वो बोल रहा है? और जिसको तुम्हें याद करती है उसी का पार्ट है। तुम्हारी समझ में नहीं आया कुछ भी, पढ़ने से तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, ये बोला कि बाबा ने, मैं आता हूँ 40-50 वर्ष। हाँ, तो ऐसे पूछ लिया कि क्यों आता है बाप 40-50 वर्ष? पितों को पावन बनाने के लिए, राज्य सिखाने के लिए। हाँ, राज्य कितने को सिखाएंगे? 108 को सिखाएंगे। 108 को सिखाएंगे राजू, जो जो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं वो राज परिवार में नहीं आते हैं। 108 राजा तो अपने प्रजा को तैयार करते हैं। हाँ, प्रजा को तैयार करते हैं। हाँ, तो 1976 से 40 वर्ष लिखा है, तो 2018 तो सचिव का पहला राजा का पहला राजा होता है। हाँ, तो और 10 वर्ष बोले तो 108 को तैयार करने का टाइम लगता है। हाँ, जब 108 पूरी होता है तब बाप यही रहता है या बाप वरदान चला जाता है? उनका काम खत्म हो गया, फिर क्या करेगा? राजयोग सिखाने का काम था वो पूरा हो गया, 16108 की संख्या पूरी हो गई, फिर बाप क्या करेगा? तो बाबा नहीं देखते। हाँ, स्थापना का काम बाप का है, सो कर गया, राजधानी स्थापन हो गई। 108 जो राज्य अधिकारी हैं, वो विश्व की बात आई कि 108 राज्य अधिकारी तैयार हो गए, फिर क्या करेगा? बाबा 1976 से 50 वर्ष ऐड किए तो 1976 हाँ जी,
के 50 वर्ष ऐड करें तो 2026 होता है। हाँ जी हाँ जी, तो 2026 तक रहता है बाप या 36। जिसका तुम्हें आना और जाना पता ही नहीं लगेगा उसके पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि आया, और तुम्हें कैसे पता चलेगा गया? हाँ तो ये समझने की चीज है, सिर्फ हमें पता तो नहीं लगेगा कब आया कब चला गया। लेकिन तो संगत तो बाबा जहाँ से जाना सोचा, ये सबसे अच्छी बात यही है कि तुम ऐसे क्यों समझते हो कि अभी बाप है अभी नहीं है, ये बाप ने बोला ये बाप ने नहीं बोला, तुम क्या समझो? हमेशा शिव बाबा है। लेकिन अभी अभी तो अनुभव है बाबा, ये वाक्य तो ब्रह्मा की इंटरफेरेंस है, ये वाक्य तो ब्रह्मा के, लेकिन ब्रह्मा की जो जिम्मेवारी वो उठाने वाला वो है ना? लेकिन वो अनुभव तो होते हैं बाबा, ये वाक्य तो बाप का नहीं है, ये ब्रह्मा इंटरफेयर होकर बता रहा है, ऐसा अनुभव तो होता है। शिव कभी मंदिर से नीचे नहीं गिरता, तो शिव की मन बुद्धि ब्रह्मा शंकर हो गई है। ब्रह्मा शंकर तो पंडित बनते हैं ना, शिव की मन बुद्धि ब्रह्मा शंकर होगी। शिव कभी मन बुद्धि से नीचे नहीं गिरता, मन बुद्धि शिव की मन बुद्धि ब्रह्मा शंकर हो गई। मन से नीचे नहीं गिरता दादा, लेखराज तो मन से नीचे गिरता है, और शंकर की बुद्धि विचारी बनती है या नहीं बनती है? जब तक पुरुषार्थ संपूर्ण न हो जाए, जब तक बैल ब्रह्मा शंकर पर सवारी न करे, तब तक शंकर जो है संपन्न बना या नहीं बना? नहीं बना। और बाबा जो सरेंडर होकर घर जाते हैं फिर शादी करते हैं, वो जगदम्बा के पूजा बनता है क्या? अगर जगदम्बा कहती है शादी करो, मैंने भी शादी कर ली, तुम भी शादी करो, बच्चे पैदा करो, तो बाप के फॉलोअर हुए या नंबर दो के फॉलोअर हुए? तो नंबर दो के फॉलोअर हो गए। ये तो देहधारी गुरु हैं दुनिया में। देखिए जो ब्रह्मा कहते हैं उनका जिम्मेवार बाबा उठाने रहा है। तो ब्रह्मा जो बोलती है श्रीमद के मतलब माना श्रीमद के व्यतिरिक्त रूप में, उसका ही जिम्मेवार बाबा नहीं रहना। वो ब्रह्मा कौन है जिसने सहन शक्ति से स्थापना का काम संपन्न किया? किसको फॉलो करना है? कर्म में ब्रह्मा को फॉलो करना है। कौन से ब्रह्मा को फॉलो करना है? संपूर्ण ब्रह्मा। कौन है संपूर्ण ब्रह्मा? माने वो अव्वल नंबर ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा है। उसमें तो दोनों ही समाये हुए हैं। सूर्यवंशी ऊंच कुल और चंद्रवंशी नीच कुल के हैं, तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में क्यों पिरोए जाएंगे? माना रुद्रमाला विजयमाला में क्यों ऐड की जाएगी? कौन सा ऊंच कुल है? तो इसका प्रश्न पूछने की भाव है, तो सूर्यवंशी माना ऊंची कुल है, ऊंची कोटि का है, और चंद्रवंशी नीची कोटि है। तो रुद्रमाला में विजयमाला ऐड होना चाहिए, लेकिन विजयमाला में रुद्रमाला ऐड होना क्या मतलब है, ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ तो विजयमाला में रुद्रमाला क्यों ऐड की जाएगी? क्योंकि तो रुद्रमाला में पुरुषार्थ में भागे हैं। रुद्रमाला में विजयमाला क्यों नहीं ऐड की जाती? क्योंकि तो ब्राह्मण जीवन का जो ब्राह्मण जीवन का मुख्य पुरुषार्थ क्या है, वो प्योरिटी का पुरुषार्थ विजयमाला करती है या रुद्रमाला करती है? विजयमाला करती है, इसलिए विजयमाला को आगे रखना पड़े।
कन्याओं माताओं को आगे रखते हैं या नहीं रखते हैं कि पीछे रखते हैं? है आगे रखते हैं। कोई ब्रह्म कुमारी में भी जाती है तो सही है? कौन मना करता है कि रावण संप्रदाय में न जाओ? आप बोल रहे हैं निवृत्ति मार्ग में जाओ? नहीं वो विजय माला है ना, उनमें सारे ही विजय माला है या सिर्फ 10% ही विजय माला है? तो मतलब थोड़ा सा अच्छी, तुम्हें पता कैसे चलेगा कौन से विजय माला में है कौन से नहीं है? नौ लाख क्यों पहुँचेंगी? आत्मा किसे कहा जाता है? जो आत्मिक स्थिति में नहीं, आत्मा माने मन बुद्धि। तो दुनिया की कोई ऐसी मनुष्य आत्मा है जो मन बुद्धि से माउंट आबू न पहुंचे? वो पहले पहुंचेंगे। तो वो शरीर से पहुंचेगी क्या? वो शरीर से पहुंचेंगे, जो चार लाख जो इंस्पायर करने वाला वो है बस। हाँ जी हाँ जी। और अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ करके नीचे गिराए देती है, बाबा के रहते हुए भी। फिर ऐसे बच्चों का अंत में क्या पार्ट होगा? एक बार नीचे गिराए दिया, 5 मार से नीचे गिर गए तो उतना ऊंचा पद नहीं बनेगा जितना ऊंचा एक बार बन गया था। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा के मुख से निकल गया माने अच्छा पद तो एक बार बन गया। फिर जब दोबारा आएंगे दोबारा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छे अच्छे बच्चे की लिस्ट में बाबा के मुख से नहीं निकलेंगे, उतना ऊंचा पद भी नहीं बनेगा। और बाबा धर्मराज को धारणाओं का राजा कहते हैं। किसका राजा कहते हैं? धारणाओं का राजा कहते हैं। तो उनको सौंदर्यवान दिखाना चाहिए ना, फिर उनको इतना भयानक क्यों दिखाते हैं? हाँ, जब धारणाओं का राजा कहा जाता है, धारणाएं अंदर की चीज होती हैं या बाहर से दिखाने की चीज होती है? तो बाहर का रूप चमार देखते हैं और अंदर वो जज है, बड़े से बड़ा दज जज है, बड़े से बड़ा बुद्धिमान है, ये कौन देखेंगे? है
बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे ही देखेंगे। गुणों को देखना चाहिए, वो अंदर की चीज है। बाहर को देखा मैंने रूप को देख लिया, तो यूरोपवासी योद्धा यादव हो जाएंगे। क्या जिन्होंने धर्मराज के बाहर के रूप को देखा और उसके फॉलोअर बन गए। वो फिर नीचे धर्म में जाएंगे कि ऊपर के धर्म में जाएंगे? नीचे धर्म में जाएंगे। बाबा धर्मराज के डंडे स्थूल में लगेंगे या बाबा की दृष्टि से महसूस होगा? ला 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 करके दिखाएगा। ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है, थोड़ा स्पष्ट करके बताइए। बाबा ने तो मुरली में ही बता दिया, ऐसे नहीं समझना कि सूक्ष्म शरीर धारण करके सजाएं खत्म हो जाएंगी। नहीं, स्थूल शरीर धारण करा के सजाएं देंगे। जैसे औलिये होते हैं तांत्रिक, भूत प्रेतों को सजा देते हैं तो प्रवेश कराते हैं, या वैसे ही सजा देते हैं? प्रवेश कराते हैं। वो औलिया तो छोटे मोटे धर्मराज हैं, ये तो बड़े से बड़ा धर्मराज है। ऐसे नहीं सूक्ष्म शरीर से सजा देकर के खत्म कर देगा। स्थूल शरीर भी होगा और स्थूल डंडे भी होंगे। और सजा ऐसे महसूस होगी जैसे जन्म जन्मांतर की सजा इकट्ठी खा रहे हैं। वो सजाएं तो एक जन्म में ही खाते हैं ज्यादा से ज्यादा। साल भर सजा खाएंगे, दो साल सजा खाएंगे, दस साल सजा खाएंगे, उसकी लिमिट होती है। ये तो अनलिमिट सजा महसूस होगी आत्मा को, शरीर भी नहीं छोड़ सकेंगे। वो सजाएं खाते हैं तो ज्यादा पिटाई होती है तो शरीर छूट भी जाता है। क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। किसी को किसी से दुख अशांति मिलती है तो भी वह, अब बताओ, पढ़ लो पहले फिर हमें बताओ क्या बात है। वो तो हमने भी पढ़ लिया है। किसी को किसी से दुख अशांति मिलती है तो वह भी ऊपर बताते हैं और बाबा को भी बताते हैं और समझते हैं ड्रामा के अनुसार हो रहा है, ऐसा सोचना अच्छा है। अरे वो पढ़ तो हमने भी लिया है, वो कहना क्या चाहते हैं? अगर किसी से दुख होता है, हाँ शांति होती है, अशांति होती है, तब वो लोग ऊपर बताते हैं, मतलब बाबा को बताने के लिए। हाँ। वो बताने के बाद ये लोग भी समझते ये ड्रामा अनुसार हो रहा है। हाँ? जो बताया वो लोग सोचते हैं ये ड्रामा अनुसार हो रहा है, मैंने इस तरह से सोचना सही है कि नहीं पूछ रहे हैं। माने जो शिकायत की जाती है ये दुख देते हैं, ये अशांति देते हैं, तो जिनको शिकायत की जाती है वो जवाब देते हैं ये ड्रामा अनुसार हो रहा है? वो जवाब देते ये बात नहीं, मैंने यही लोग समझते हैं। क्या मैंने जो मुझे दुख अशांति मिल रहा है वो ड्रामा अनुसार मिल रहा है? तो बोलने की दरकार फिर क्यों? लिख करके देने की दरकार है, लिख के मत दो फिर, ये भी ड्रामा अनुसार हो रहा है, लिख के देना तो शिकायत करने की बात खत्म।
बाबा मुरली में कहते हैं रचयिता को जानना आसान है लेकिन उनकी रचना को जानना मुश्किल है। तो बाबा आप बताएंगे तो हम जान जाएंगे। बाप की रचना के बारे में बाबा। हाँ बता दो। जगदम्बा की बारे। हाँ पहला पहला तो रचना घरवाली होती है माता। उसको जाना है किसी ने तो बात वंडरफुल है बाबा। किसी ने नहीं जाना और बता भी दें तो भी विश्वास नहीं होगा। वो जगत पिता का भी माँ है उसका पाठ जरूर वंडरफुल। त्रिमूर्ति चित्र में शंकर को दिखाया गया है उसमें सांप चंद्रमा वगैरह वगैरह ऐसी चीजें दिखाई है जो कोई सजावट की चीजें नहीं है। ये कौन सी समय की स्टेज है? अभी संगम की स्टेज है। सांप दिखाए गए हैं माने सर्प जैसी विकारी आत्माओं के संग रहता है। कोई क्रोधी है कोई लोभी है कोई मोही है बड़े बड़े क्रोध वाले हैं। कोई में बहुत क्रोध आता है तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते। इससे बड़ा कोई और क्रोध होता है क्या जो अपने को ही खत्म कर दे? तो ऐसों का संग करना जैसे कि सांप लिपटे हुए हैं शरीर में लेकिन वो तो चंदन वृक्ष की समय भांति है। जैसे चंदन वृक्ष में सांप लिपटे रहते हैं उसके ऊपर विष का असर नहीं होता है चंदन में फिर भी सुगंध मारता है। ऐसे ही वो विषैले वो विकारी सांपों का असर उसके ऊपर नहीं होता बल्कि सांपे के ऊपर उसका असर हो जाता है। ऐसे ही चंद्रमा दिखाते हैं वो चंद्रमा अधूरा दिखाते हैं या संपूर्ण दिखाते हैं? अधूरा चंद्रमा माने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश है अधूरी आत्मा प्रवेश है जो प्रवेश करके कार्य करती है इंटरफियर करती है। डमरू दिखाते हैं डमरू हमेशा बजाते हैं कि कोई खास टाइम पर बजाते हैं? खास टाइम होता है तब डमरू बजाते हैं। जब विनाश का टाइम होगा तो डमरू बजेगा। डमरू क्या करता है? डमरू की एक ही गोली दोनों तरफ बजती है। स्थापना भी होती है विनाश भी होता है। देवताएं स्थापना की बातें सुनते हैं और विनाश असुर विनाश की बातें सुनते हैं। हाँ बहुत अच्छा देखा फिर दोबारा देखना। अच्छा अच्छा और बस ओम शांति।